पतझड़ दिकला। सत श्री अकाल फास्ट न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाजे विच। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वालों वोटरों लुभाने लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हुण अरविंद केजरीवाल वालों एक मौका केजरीवाल नामक एक कंपेन लॉन्च की गई, जिसके राही उन्होंने दसिया कि असी दिल्ली दे विच बहुत वधिया काम किए ने, जिस बारे दिल्ली के लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया से पाउण ते दूजे सूबे के लोगों नू दिल्ली विच होए कमां बारे जानकारी देण। बहु करोड़ी ड्रग मामले में फसे साबका मंत्री ते अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया की अगाऊ जमानत मामले में लैके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दस दिए कि लंघी 18 जनवरी नू मजीठिया के वकील नू कोरोना होने करके सुनवाई नहीं हो सकी सी। जिक्र खास है कि ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट ने मजीठिया नू अगाऊ जमानत दी है। पंजाब सरकार वालों दर्ज FIR खिलाफ मजीठिया की नवी अर्जी से अज सुनवाई हुई। हाई कोर्ट च दायर अर्जी च पंजाब सरकार की मंशा से सवाल चुके गए। इस बारे मजीठिया का कहना सी कि उसनू कस्टडी विच लैके शर्मिंदा ते टॉर्चर करना ही सरकार का मकसद है। संयुक्त समाज मोर्चा वालों टिकटां दी कीती गई वंड नू लैके टिकट दे दावेदार नाराज दिखाई दे रहे ने। इस दे तहत पटियाला दिहाती तो संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवारों का विरोध किया जा रहा है। किसानों ने धर्मिंदर सपोलिया नू टिकट दिते जाने का विरोध किया, जिसके चलदे किसानों ने संयुक्त समाज मोर्चा खिलाफ मुजहरा करदे नारेबाजी की। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर जा रहे हैं। सूत्रों तहत सिद्धू किसी सियासी धमाका करने की ताक विच ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सिद्धू ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया। साबका मुख्यमंत्री पंजाब ते पंजाब लोक कांग्रेस के मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ते बड़ा हमला किया, जिन्हें कहा कि सिद्धू नू मंत्री बनाने लई पाकिस्तान तो सिफारिश आई सी, जिसलिए इमरान खान ते करीबिया ने जम के लॉबिंग की सी, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रियंका गांधी नू दी सी। भाजपा ते श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे नाल मिलके पहली बार चोण लड़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नवी गठित पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची विच जाति समीकरणों का संतुलन बाखूबी बिठाया। 22 उम्मीदवारों की सूची में उन्हों का सियासी तजर्बा साफ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने हल्के च पकड़ ते जित की समर्था के नाल ही जातिगत वोट बैंक का ख्याल रख के ही सारे उम्मीदवारों को टिकट दी है। कैप्टन वालों ऐलाने उम्मीदवारों में 9 जट सिख ने, 4 उम्मीदवार अनुसूचित जाति ते 3 होर पछड़े वर्गों तों ने। इन्हां तों इलावा 5 हिंदू चेहरे ने, जिन्हां च 3 ब्राह्मण ते 2 अग्रवाल ने। उप मुख्यमंत्री OP सोनी ने दावा किया कि सूबे के हिंदू लोग कांग्रेस के नाल ने, तो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी नू समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शहरी खेतरां च व्यापारियों लई चन्नी सरकार वालों पिछले 3 महीनों दौरान वड्डे कदम चुके गए ने। व्यापारियों के 10-10 सालों तो चलते आ रहे मसलों का हल भी चन्नी सरकार ने कर दिता है। सोनी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार चन्नी सरकार नू बदनाम करन च लगी हुई है। ED वालों मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों से मारे गए छापियां तो स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सरकार की सोच SC विरोधी है। पंजाब विधानसभा चोणां दौरान अजिहा पहली बार हो जा रहा है कि पंजाब के सारे 117 विधानसभा हल्कों में 5 कौणी मुकाबले हो जा रहे हैं। इन्होंने मुकाबलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बसपा गठजोड़, भाजपा कैप्टन ढींडसा गठजोड़ ते 22 किसान जथेबंदियों वालों बनाए गए संयुक्त समाज मोर्चा वालों विधानसभा चोणां लई पूरी तैयारी की जा चुकी है। 5 धिरां दावा कर रही ने कि पंजाब विच विधानसभा चोणां दौरान उन्हां दी ही जित होवेगी ते उन्हां दी ही सरकार बनेगी। 5 धिरां वालों पंजाब दीआं सारीआं 117 विधानसभा सीटां ते चोणां लड़न दा ऐलान कर दिता गया। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर इशारिआं विच मुख्यमंत्री चेहरे दे ऐलान नूं लैके आवाज़ बुलंद की है। चंडीगढ़ च गल करदिआं सिद्धू ने कहा कि अज पंजाब दे लोक दुविधा विच ने, जेकर इह दुविधा दूर होई तां विधानसभा चोणां विच कांग्रेस 70 सीटां जीतेगी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब दे लोकां सामने अज सवाल है कि पंजाब नूं दलदल विचों कौण बाहर कढेगा ते किवें कढेगा। सिद्धू ने यह भी कहा कि हाईकमान किसे नूं दस के मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान नहीं करदी। पिछली बार राहुल गांधी आए सन तां रैली विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दा हथ खड़ा कर दिता, गेम खत्म हो गई, सब चुप हो गए, इसलिए पंजाब दे लोक हमेशा दुविधा विच नहीं रहणगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार ते ED की रेड ते 10 करोड़ रुपए की रिकवरी के मामले में पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, कानून नू अपना काम करन दिओ। सिद्धू ने कहा कि जेकर जांच एजेंसियां इस मामले में किसी नाल संबंध का सबूत पेश कर दियां ने तो पहले अजिहे व्यक्ति होणगे जो आलोचना करनगे, पर जेकर कोई राजनीतिक बदले नाल कार्रवाई करेगा तो सिद्धू नाल नहीं है। इस लई यह है कि सिद्धू नू पता है कि ED, CBI ते पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है।
मलेरकोटला पुलिस ने कांग्रेसी उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के पति से कांग्रेस के सूबा प्रधान नवजोत सिद्धू के सियासी सलाहकार मुहम्मद मुस्तफा खिलाफ थाना नंबर 1 विच फिरको बयान देने तो बाद मामला दर्ज किया है। मामले विच धारा 153 लगाई गई है। बीते दिन आम आदमी पार्टी के कांग्रेसी वर्करां विच कहा सुनी हुई सी, जिस तो बाद आप दे उम्मीदवार जमील उर रहमान ने स्थानक SSP SDM ते चोन कमिश्नर कोल शिकायत दर्ज करके मुस्तफा खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से इंडिया गेट से उन्होंने होलोग्राम मूर्ति की घुण चुकाई की। ग्रेनाइट नाल बनी एक मूर्ति तैयार होने से वह होलोग्राम मूर्ति की जगह लवेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मूर्ति स्वतंत्रता संग्राम विच बोस के बेमिसाल योगदान लिए श्रद्धांजलि होगी, देश के उन्होंने प्रति ऋणी होने का प्रतीक भी होगी। चीन ने ताइवान वाल 39 लड़ाकू जहाज भेजे ने। इस साल चीन वालों ताइवान वाल भेजे गए लड़ाकू जहाजों का है सब तो वड्डा जत्था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन वालों भेजे गए जहाजों में 24J16 का है सब तो वड्डा जत्था है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन वालों भेजे गए जहाजों में लड़ाकू जहाज J10 एयरक्राफ्ट के होर सहायक जहाज से इलैक्ट्रॉनिक लड़ाकू जहाज सन। ताइवान की हवाई सेना ने भी इस गतिविधि का पता लगन से तुरंत अपने जहाजों को रवाना किया। बेल्जियम विच पुलिस ने कोरोना वायरस को लेकर लगाई गई पाबंदियों खिलाफ प्रदर्शन कर रहे करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खंडाउन लई पानी दी तोपां दी वरतों की ते अथरू गैस के गोले भी छड़े। अधिकारियों मुताबिक बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स विच करीब 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने करीब 70 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 बदमाशों को अस्पताल में दाखिल करवाया। शेयर बाजार में गिरावट का दौर आज भी जारी है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 200 अंकों की गिरावट नाल 58,818 ते कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स आज 14 अंक डिग के 59,023 ते खुलिया ते पहले घंटे में इसका उपरला पद्धर भी रहा है। केंद्र सरकार ने भारत विरोधी यूट्यूब चैनलों से वड्डी कार्रवाई की है। सरकार ने अजिहे 35 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया। इस तो इलावा 2 वैबसाइटा, 1 ट्विटर अकाउंट ते एक फेसबुक अकाउंट भी बैन किया। दसिया जा रहा है कि चैनल गुआंढ़ी देश पाकिस्तान चो चलाए जा रहे सन। इस सारे चैनल ते वैबसाइटा भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाउण च लगे हुए सन। इस तो पहला केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को बदनाम करने वाले यूट्यूब चैनलों को बैन किया जाएगा। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। धन्नवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।